नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। देखिए, ये एक 25 इयर्स मेल हैं और ये जानना चाहते हैं कि जीवन में सफलता कब मिलेगी इनको, आगे बिजनेस में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। कह रहे, इन्होंने बताया कि जॉब में इनका मन नहीं है जॉब करने का, तो बिज़नेस ही करना चाहते हैं जीवन में, तो आगे क्या फ्यूचर है। और एक इनका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न था कि एक इनके हाथ की रेखा है, उसके लिए हम दूसरी पिक्चर लेंगे कि देखिए, हाथ में यहाँ पर इनका कहना है कि ये उल्टे हाथ में यहाँ पर एक कुछ नई रेखा निकल कर आई, यहाँ से ये ऐसी होती हुई। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि बिज़नेस में ही इनका इंटरेस्ट है, ये बिज़नेस रेखा है, ये बुध पर्वत से निकल के आ रही है और इस तरह से आ रही है। और देखिए, इनके हाथ में ये इस तरह से सूर्य रेखा हल्की हल्की यहाँ पर हल्की हल्की आगे बढ़ती हुई और इस तरह से ये रेखा एडजॉइन कर रही है और ये आगे बनेगी भी। जितनी डार्क यहाँ पर हुई है थोड़ी और हल्की है, थोड़ी डार्क हो जाएगी, कुछ 6-8 महीने में डार्क हो जाएगी। और ये देखिए, भाग्य रेखा से भी इस तरह से ये चिन्ह बना लेगी, ये पेड़ नुमा चिन्ह बना लेगी। तो ये चीज़ इनके अगर हाथ में देखें, ये जो आगे अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस तरह से बन जाएगा और ये इस तरह से बन, ये और ये इस तरह से होता हुआ, ये इस तरह से तीनों रेखा, इस तरह से पेड़ नुमा चिन्ह बन जाएगा। और ये जब चिन्ह हाथ में बनता है, इंसान बहुत भाग्यशाली हो जाता है। इंसान जो भी कार्य करता है उसमें बहुत सफलता पाता है और उसको एक तरह से कहना चाहिए कि जीवन में जो भी अब तक कोशिशें करी गई हैं, कोशिशें कर रहे होंगे, ये स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो सब सफलता की ओर चलने लगता है। अभी भले ही सुनने में अजीब लगे, थोड़ा सा सपना टाइप लगे कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आगे जो कर रहा हूँ आगे भी उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन जब ये रेखा इस तरह से बन रही है और आगे भी इसमें हल्का हल्का हमने देखा कि ये बहुत थोड़ी हल्की है, आगे ये डार्क हो जाएगी, तो इस तरह की रेखा जब ऐसा रूप लेती है पेड़ नुमा, तो वो बहुत बड़ी सफलता दिलाती है। छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता। ये देखिए, बिजनेस की रेखा है तो ये बिजनेस आगे बढ़ा देगी, ये आपके नेम फेम की रेखा है यानी समाज में मान सम्मान रुतबा शोहरत, तो ये आपका वो बढ़ेगा। भाग्य रेखा आपकी स्ट्रांग हो रही है, देखिए यहाँ पे भी भाग्य रेखा अच्छी है और इनमें भाग्य रेखा में जब इन इस नेम फेम की रेखा का, सूर्य रेखा का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस की लाइन आके मिलेगी, तो हर तरफ से सफलता ही सफलता इंसान को मिलती है। और आगे कैसा रहने वाला है, कैसी सफलता मिलेगी, वो हम इनके राइट हैंड के जरिए जानेंगे। तो चलते हैं राइट हैंड के टूवर्ड्स। अब इनके पाम की तरफ देखते हैं, पिंक कलर का अच्छा खासा पाम है। पाम को अच्छा खासा देखिए तब कहते हैं जब पाम अच्छा भरा हुआ पाम हो, है। और देखिए, स्किन का कलर पिंक है तो अच्छा खासा धन का कारक है, पाम ग्रोथ भी देगा। और देखिए, पाम में सबसे अच्छी बात होती है कि जो देखते के साथ ही ग्रोथ दिखाई दे, तो इनके पाम में ग्रोथ दिखती, कैसे दिख रही है, रेखाएँ अच्छी खासी रेखाएँ हैं हाथ में, ये देखिए अच्छी बढ़िया रेखाएँ हैं और बहुत ज़्यादा कोई कट्स के निशान नहीं है। और दूसरी चीज़ देखिए, माउंट्स अच्छे डेवलप्ड है, चंद्र पर्वत अच्छा डेवलप्ड है, बुध जो बिज़नेस के लिए चाहिए वो बहुत अच्छा डेवलप्ड है, शनि पर्वत अच्छा खासा है इनके हाथ में, गुरु पर्वत अच्छा है और शुक्र बहुत बढ़िया है। शुक्र हमेशा लग्जरी का कारक होता है और लग्जरी तभी होती है इंसान के जीवन में, सुख ऐश आराम तब होता है जब वो पैसा अच्छा कमा रहा होता है, उसके बाद पैसा होता है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि पैसे से ही लग्जरी आ पाती है। जितने भी ऐश आराम आप अपने घर में लाते हैं, चाहे कितनी महंगी से महंगी आइटम जो आप चाहते हैं जीवन में, वो सब पैसे से आती हैं। और पैसा होता है तभी इंसान सुखी रह पाता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के ज़माने में बहुत बड़ी नीड है, एक कहना चाहिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो हाथ में ये सब गुण दिखाई देते हैं। अब चलते हैं और चीज़ों की ओर। हाथ में देखें, यहाँ पर तो ये अच्छा खासा ट्रायंगल ये बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल बहुत बढ़िया बन रहा है इनके हाथ में, और ये ट्रायंगल इस तरह से बड़ा होते हुए ये देखिए इस तरह से बंद हो रहा है ये क्षेत्र, तो यानी कि ये राहु का क्षेत्र भी अच्छा खासा है और राहु का क्षेत्र बहुत दबा हुआ नहीं है। जैसे कि कई बार होता है इंसान को डर लगता है कि मैं स्ट्रगल ही करता रह जाऊंगा, ये तब होता है जब राहु का क्षेत्र हाथ में दबा हो, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छे खासे एसेट्स भी जीवन में बना लेंगे, अच्छा पैसा भी जोड़ लेंगे जीवन में, और ट्रायंगल जब इतना बड़ा होता है तो इंसान जो भी काम करता है अच्छा खासा पैसा कमाता है उसमें, ये इतना बड़ा ट्रायंगल ये बताता है सेविंग्स के बारे में। और ये बिगर ट्रायंगल, ये ग्रेटर ट्रायंगल भी
इंसान की स्थिति मजबूत बनाता है। अभी देखिए इनकी उम्र है 25 साल, तो ऐसे में इंसान कई बार घबरा जाता है, इंसान को लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए, मेरे साथ के सारे लोग बन गए पर मैं अभी नहीं बन पा रहा, कितना कैसा समय आएगा आगे, इस तरह की चीज़ें विचार मन में आने लगते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी किसी के जीवन में सक्सेस जल्दी आती है, किसी के जीवन में देरी से आती है, और होता क्या है सक्सेस भी किसी के में शॉर्ट टर्म सक्सेस आती है, यानी कि 5-6 साल पैसा कमाते हैं फिर बैठ जाते हैं, लेकिन जो ऐसे पाम होते हैं उनमें सक्सेस लंबी सक्सेस आते हैं, यानी कि जैसे कि जिंदगी में जब तक जिंदगी है तब तक कमाते रहें, यानी 30-40 साल तक इंसान काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, एक नेम फेम रुतबा भी खड़ा कर लेता है और ग्रो करता रहता है जीवन में। सबसे अच्छी बात है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एक तरह से कि जो पैसे का अगर हम देखें ग्रोथ है या पैसे का मनी का आना, वो जिंदगी भर चलता रहता है ऐसे पाम में। शुरू में भले ही दिक्कत पाते हैं, शुरू में भले ही स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन लाइफ लॉन्ग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब पाम में देखें एक चीज़ और, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जीवन का ग्राफ, यानी कि ये इनको ग्रोथ दे रहा है, आगे भी जीवन में बढ़ते रहेंगे, और ये देखिए यानी निरंतर काम करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से जब चलती है रेखा तो निरंतर काम करने की चीज़ दिखाते हैं। देखिए क्या होता है, इंसान ओल्ड एज में रिटायर हो जाता है, थोड़ी सी काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, यंग एज की तरह से भाग दौड़ करने की क्षमता कम होती है, इसलिए ये चीज़ नीचे की ओर आती है। लेकिन फिर भी ये बहुत नीचे की ओर नहीं है, तो ये ओल्ड एज में भी इनको मनी इनफ्लो भी देगी और साथ में ग्रोथ भी देती रहेगी। अब देखिए हाथ में एम के चिन्ह की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों रेखाएं अलग हैं, यानी कि अपना सोच इनकी अलग होगी, परिवार वालों से काफ़ी अलग सोचते होंगे। और लेकिन देखिए ये इस तरह से ये ऐसे चली रेखा और ये इस तरह से होती हुई ये रेखा, देखिए यहाँ पर ये ऐसे आ रही है। देखिए एक उन्नति की रेखा ने इसको जोड़ दिया, यहाँ पर बड़ा अच्छी उन्नति की रेखा जिसको हम अभी लाइफ लाइन पर जब हम आएंगे जीवन रेखा पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। मस्तिष्क ये जो एम का चिन्ह है देखिए 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। जब चारों रेखाएं प्रबल होती हैं, कहीं से टूटी फूटी ना हो, तो ऐसे में इंसान अपनी जीवन में काफ़ी तरक्की पाता है, काफ़ी ये एक तरह से इंसान को धनवान बनाने में सहायक होती है। अब चलते हैं हाथ में और चीज़ों की ओर। यहाँ पर देखिए हथेली में एक चिन्ह बड़ा अच्छा दिखा, इस तरह से ये ऐसे, ये इस तरह से ऐसे मछली का चिन्ह है, तो ये बहुत शुभ चिन्ह है, भाग्य रेखा को टच कर रहा है और यहाँ से निकलता हुआ यानी मछली का मुंह ऊपर की तरफ है। ऐसे लोग जैसे ही जीवन में 35 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं, जीवन की गाड़ी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगती है, और एक तरह से ये जो चिन्ह होता है इंसान को काफ़ी आगे तक लेके जाता है जीवन में, बहुत तेज़ी लेकर जाता है, बहुत आगे तक लेके जाता है। इंसान का लेवल समझना चाहिए, जिस लेवल पर आज वो हैं तो उससे एकदम तीसरे चौथे लेवल पर इंसान को पहुंचा देता है, अकस्मात धन लाभ कराता है, बहुत जीवन में अच्छी खासी तरक्की कराता है। और इंसान जैसे कि आज से अगर 20 साल बाद जब ये सोचेंगे, अपने आप को याद करेंगे आज के इस समय को, तो लगेगा इन्हें कि मेरे पास आज से 20 साल पहले कुछ भी नहीं था और आज मैं देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के लेवल पर ये मछली पहुँचा देती है इंसान को। अब चलते हैं हाथ में उंगलियों की ओर। हाथ में उंगलियों को देखें तो अच्छी खासी गठीली उंगलियां हैं और ये देखिए अच्छा खासा, तो ऐसे लोग अच्छे खासे बिजनेसमैन बनते हैं, अच्छा खासा एक तरह से कहना चाहिए। जब भी आप देखिए किसी भी अमीर आदमी की उंगलियां होती हैं, किसी भी रिच पर्सन की उंगलियां, तो वो एक तरह से थोड़ी मोटी फ्लैशी टाइप की आप कह सकते हैं, और ये हिस्सा उनका फ्लैशी होता है, गठीला टाइप का सा मांसल आप कह सकते हैं, इस तरह का होता है। तो और यहाँ पर देखिए ये फिंगर थोड़ा सा इधर की ओर झुकाव ले रही है, ऊपर वाले में आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग, और ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़े से गैप्स हैं, झरोके हैं, तो खर्च करने के भी शौकीन हैं। और यहाँ पर हाथ में देखें तो ये दोनों फिंगर्स में तो ये सूर्य की फिंगर लंबी है। जब भी सूर्य की फिंगर लंबी होती है इंसान के अंदर बहुत हिम्मत होती है, जिद्दी स्वभाव भी देखा जाता है। और हाथ में देखें तो इनके यहाँ पर छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँच रही है। ऐसे में थोड़ा कई बार केयरलेस स्वभाव होता है, हाँ देखेंगे सोचेंगे, कई बार इस तरह की होती नेचर होती है। और इंसान की नेचर कई बार ऐसी भी होती है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई उस समय सोच नहीं पाते, बाद में ध्यान करके पछताते हैं, अरे मैंने उस समय सोचा होता तो आज बड़ा अच्छा रहता, मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। और हाथ में देखें यहाँ पर इनके चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, कि फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं।
अब हाथ में देखिए बड़ा अलग तरीके का चिन्ह है, इसे कहते हैं पिकॉक साइन। देखिए ये इस तरह से ऐसे बन रहा है ऐसे करके, और ये देखिए ये इस तरह से राउंड शेप ले रहा है। ये देखिए पिकॉक साइन, इसको इसलिए कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मोर पंख कहते होंगे शायद, इंग्लिश में पिकॉक साइन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल पिकॉक के, मोर के पंख की तरह होते हैं। तो जब भी ये हाथ में होता है इंसान को जीवन में काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, और गुरु की फिंगर पर जब ये साइन पाया जाता है, अपने फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज रखना, अपने ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी टैलेंट भी होता है, अपने एक तरह से उनके अंदर एक बड़ी सिंसेरिटी के साथ वर्क करना, बहुत जो भी काम लेते होंगे बस ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना और उस काम को पूरा करके ही उठना, इस तरह का स्वभाव ऐसे लोगों में देखा जाता है। और देखिए बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर भेजी है, देखिए बड़े अच्छे साइन उभर के आ रहे हैं। यहाँ पर जो है उल्नर लूप भेजा है इन्होंने, उल्नर लूप है इनके हाथ में। तो ये शनि की फिंगर पर जब भी उल्नर लूप होता है, ऐसे में इंसान जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं अपनी समझदारी से, अपनी काबिलियत के ऊपर, तभी उससे पार पा जाता है। ऐसे लोग कभी किसी का मुंह नहीं देखते, और ऐसे लोग जानते हैं कि जब भी मुसीबत आएगी मुझे कैसे उस मुसीबत से बाहर निकलना है, कैसे अपनी स्थिति को संभालना है। और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। देखिए जितनी भी बढ़िया क्लियर पिक्चर होती है, जितना अच्छा क्लैरिटी वाली पिक्चर होती है, उतना बढ़िया एनालिसिस निकल कर आता है, उतनी बढ़िया रेखाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, उतनी ज़्यादा हम बता पाते हैं। यहाँ पर जब भी इस तरह की रेखाएं हॉरिजॉन्टल कट्स आते हैं तो कोई ना कोई लोग अड़ंगे भी लगाते हैं। ऐसे लोग को एक तरह से कहना चाहिए कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके काम को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, तो उसके लिए भी हम इनको उपाय बताएंगे कि उसका उपाय सीधा ये है कि अपने शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए दिन ढलने से पहले, या अपने घर में जो वेस्ट साइड होती है, पश्चिम दिशा होती है, वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। और कपूर जो आता है, कपूर का पूरे घर में या जो अपना ऑफिस है वहाँ पर धुआं कराएं। ये काम ये खुद भी कर सकते हैं, किसी और से कराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हाथ में सूर्य की फिंगर पर बहुत अच्छा चक्र है, देखिए कितना प्यारा बड़ा क्लियर सा चक्र है। तो जब भी ऐसा चक्र होता है इंसान गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क करता है, सरकार से सरकारी काम करना, सरकार से रिलेटेड वर्क करना, कई बार सरकारी जॉब होता है, या कोई ऐसा बिजनेस करना या काम करना जिसमें सरकार से उनको काम पड़े, सरकार से टेंडर मिलना, सरकार से अप्रूवल्स मिलना, सरकारी लोगों के बीच में काम करना, तो बड़ा काम करता है इंसान। और ऐसे लोगों के हाथ में जब ये जो चक्र पाया जाता है तो इंसान को नेम फेम बहुत मिलता है, या अगर सरकारी क्षेत्र में नहीं होगा तो नेम फेम इतना ज्यादा होगा, अपने बलबूते पर अपने राइज करते हैं। और ऐसे लोग अब हाथ में देखते हैं कि बुध की जो फिंगर है वो क्या कहता है। बुध की फिंगर पे हमें दिखता है एक उल्नर लूप। जब भी ऐसे हाथ में होता है बुध की फिंगर पे, तो इंसान कई बार इन्वेस्टमेंट में गलत डिसीज़न लेने की भूल करता है। कई बार इंसान ऐसा भी होता है कि कई बार गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लेता है, स्टॉक्स शेयर्स में लॉस उठाना, या इंसान को अगर गैम्बलिंग क्षेत्र में जाता है तो लॉस उठाता है, इस तरह के लॉसेस इंसान को देखने पड़ते हैं। तो इनको गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, जल्दी लोगों पर विश्वास ना करें, अपना पैसा भूल के भी किसी को अननेसेसरी ना दें। तो अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर एक हमें इस तरह से चक्र दिखाई देता है। जब भी ऐसा चक्र हाथ में अंगूठे पर होता है, इंसान जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करता है, भले ही उसकी शुरुआत छोटे से हो, लेकिन वो जीवन में काफ़ी तरक्की पाता है। इनकी विल पावर काफ़ी अच्छी है, परंतु ये कुछ लाइंस ऐसी हैं कि जो कभी कभी किसी के बहकावे में आके या अपना इरादा बदल लेते हों, उसकी वजह से इनकी विल पावर टूट जाती है। इनको लगता होगा देखेंगे, सोचेंगे, फिर कभी कर लेंगे। विल पावर अच्छी होते हुए अपना इरादा बदलने के कारण ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। लॉजिक और प्लानिंग के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र छोटा है, और हमने इनकी मस्तिष्क रेखा भी देखी थी तो वो भी हम आगे दिखाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा
कभी कभी होता है कि डुअल सोच रखना, कभी कभी इंसान गड़बड़ा जाता है कि ये करूं कि ये करूं, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा सा लॉजिक और रीजनिंग में, अपने में, प्लानिंग में थोड़ा वर्क करें तो सफलता काफ़ी मिलेगी। और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह का यव का चिन्ह इनके हाथ में, ये बहुत भाग्यशाली बनाता है इंसान को, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए मिडिल एज में खास तौर से काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं ऐसे लोग और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर। अब हाथ में देखें, यहाँ पर आते हैं गुरु पर्वत की ओर। गुरु पर्वत दबा हुआ है। जब भी ऐसा गुरु पर्वत दबा होता है, इंसान कई बार अपने थोड़ा सा गृहस्थ जीवन, घर वालों का सपोर्ट कम मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या कई बार होता है इंसान जो फील्ड में काम करना चाहता है उसकी थोड़ी सी नॉलेज कम होना। कई बार इंसान को लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वो जीवन में धीमे धीमे मिलना, देरी से मिलना, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। महत्वाकांक्षी होता है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है स्पीड धीमे चल रही है, मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं। और ऐसा में कई बार इंसान के साथ ऐसा भी होता है, गुरु जब काम करने में एक तरह से जो तरक्की पाने में सफलता धीरे मिलती है। यहाँ पर देखें तो एक वलय बन रहा है, गुरु वलय, तो ऐसे में इंसान का ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर भी होता है। और ऐसे लोग दूसरे के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखना और दान पुण्य में विश्वास रखना, इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर एक मछली का चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है। देखिए इस तरह से बन रहा है, जी देखिए इस तरह से मछली का चिन्ह बन रहा है। तो जब भी ऐसा चिन्ह बनता है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, दोनों उंगलियों के बीच में, तो इंसान अपने जीवन में ये कहिए ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस रहती है, अच्छी खासी एक तरह से दुनिया के सुख कहने चाहिए सब सुख सुविधा के साधन इंसान जोड़ लेता है और अच्छे खासे ऐशो आराम की ओल्ड एज जीता है। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत भी अच्छा खासा है और थोड़ा सा ये देखिए उड़ना लूप, सॉरी ये एक एपेक्स का चिन्ह हमें दिखाई देता है, ये भी इसको बल दे रहा है। अब हाथ में देखिए गुरु पर्वत के लिए हम इनको उपाय बताएंगे, या तो पीले कपड़े पहनना शुरू करें, पीला रुमाल रखें अपने साथ में, और पीले रुमाल को जैसे कि नींबू जैसा पीला रंग जो होता है उस तरह का रुमाल अपने हाथ में अपने साथ रखें, अपने ऑफिस के बैग में रखें। और गुरु पर्वत, गुरु का थोड़ा सा जब एक तरह से दबा होता है, कमज़ोर हो, तो गुरु का मंत्र का जाप करें, गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं थर्सडे के दिन, इस तरह के जाप, इस तरह के उपाय करें तो गुरु में थोड़ा बल आएगा। देखिए स्टोन हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि आजकल स्टोन बहुत महंगे भी हैं, असली नकली का पता नहीं चलता, और कई बार होता है कि वही घुसे हुए पुराने स्टोन को कुछ लोग पॉलिश करके दे देते हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होते, और कई बार स्टोन यूज़ करते करते पता भी नहीं चलता कि घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वही इंसान यूज़ करता रहता है जिसका उनको फल नहीं मिलता। और गुरु का जब भी आप पुखराज यूज़ करते हैं तो गुरु एक तरह से, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो उसको पहनने से इंसान का वजन भी बढ़ जाता है, 5 से 10 किलो एकदम वजन बढ़ जाता है और इंसान परेशान रहने लगता है कि वजन बढ़ाना तो बढ़ना तो आसान है लेकिन घटना बड़ा मुश्किल है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि ऐसे उपाय करें जिससे, ऐसे गुरु का मंत्र का जाप करना और जैसे कि हमने बताया गाय को गुड़ की रोटी खिलाना तो हर थर्सडे को, तो इस तरह से करने से इनको गुरु में मजबूती भी आएगी, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लो इफ़ेक्ट्स हैं, वो दूर होंगे, बलशाली बनेगा और इनको काफ़ी जीवन में फ़ायदा भी देगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अब आते हैं सूर्य की ओर। सूर्य पर्वत देखें दबा हुआ है। सूर्य पर्वत दबा होने के कारण देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंसान अपने जीवन में तरक्की में भी दिक्कत आती है, पिता से मतभेद या दूरी होती है, या आँखों का चश्मा होता है। यहाँ पर देखें सूर्य रेखा अच्छी है और देखिए ये इस तरह से फूकनुमा हो रही है। जब भी ऐसा चिन्ह होता है तो इंसान काफ़ी तरक्की पाता है। ये देखिए पेड़ नुमा चिन्ह बन रहा है हाथ में, और पेड़ नुमा चिन्ह जब भी बनता है बहुत फ़ायदा देता है, बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर लेके जाता है इंसान को। और यहाँ पर देखें तो एक रेखा इस तरह से, ये रेखा यहाँ पर जा रही है, तो ये पूर्व पुण्य रेखा होती है, यानी कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिलना।
और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से स्क्वायर में बना हुआ है, तो जीवन में अच्छी प्रॉपर्टियाँ भी बना लेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये रेखा हल्की हल्की देखिए बढ़ती जा रही है, इस तरह से मिल रही है सूर्य रेखा में जाके, तो ये भी इनको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान तरक्की भी जीवन में दिलवाएगी। अब बात करें बिजनेस का, जो इनका क्वेश्चन था, यहाँ से रेखा ये इस तरह से निकल के जा रही है और रेखा हल्की हो है फिर भी, लेकिन ये इस तरह से बढ़ती हुई यहाँ पर हल्की हल्की जाते हुए यहाँ जा रही है बुध पर्वत तक, तो इन्हें जीवन में भविष्य में जरूर अच्छा खासा बिजनेस भी करवाएगी। अब हाथ में देखें, यहाँ पर एक चीज़ और है देखने की, इनका प्रश्न था कि किस चीज़ का बिजनेस बढ़िया रहेगा। देखिए बुध इनका अच्छा है, बुध अब जैसे इन्होंने बताया हमें फ़ोन ट्रेडिंग का काम है, तो बुध पर्वत में फ़ोन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो बुध में आता है, तो बुध भी इनका अच्छा है, तो ये भी काम इनको आगे तरक्की दिला सकता है। और भी कोई काम जैसे जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मोबाइल से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, तो इस तरह की चीज़ें इनको फल अच्छा दे सकती हैं। साथ में चंद्रमा अच्छा है तो लिक्विड चीज़ का कोई काम करना चाहे, केमिकल का काम करना चाहे, वो भी बढ़िया रहता है। और देखिए शुक्र पर्वत इनका बहुत अच्छा है, तो शुक्र भी डिज़ाइनर चीज़ें, डेकोरेशन की आइटम्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और जैसे कि देखिए होता क्या, हाथ में जो पर्वत अच्छे होते हैं उसी से रिलेटेड बिजनेस सूट करता है इंसान को। अब थोड़ा सा ये चीज़ ज्योतिष में एक देखने वाली बात होती है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। कहने को तो आप देखिए शुक्र बताता है कि सजने संवरने की चीज़ों के बारे में, एक्सपेंसिव आइटम के बारे में, उसमें आप मोबाइल भी ले सकते हैं, महंगी चीज़ों के बारे में, गाड़ी के बारे में भी हो जाता है, तो काम तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर करो तो हमें बताने में आसानी हो कि आपके लिए कौन सा जो वो व्यापार है वो सूट करेगा, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं हर आदमी के पास कार का ऑप्शन, की कार से संबंधित कार्य करने का ऑप्शन हो, या जैसे कि शुक्र बताता है जैसे कि साड़ी का काम, सूट्स का काम, गहने जेवर जेवरातों का काम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उसको कर सके। तो इस तरह से अगर ऑप्शंस हो तो बताना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हाथ में देखें इनके मंगल पर्वत की ओर चलते हैं। देखिए हाँ बुध अच्छा है इनका, तो बुध में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, लोगों से अच्छे से बोलना चालना, प्यार से बातचीत करना, पोलाइटली बातचीत करना इनकी आदत होगी। और यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह भी है तो जो इनको बुध पर्वत को बल देता है, और ऐसे लोग अपने अच्छे व्यवहार के लिए समाज में जाने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बुध की रेखा है तो जीवन में इनको एक तरह से बिजनेस माइंडेड उसने बनाया हुआ होगा। और देखिए मस्तिष्क रेखा भी, जो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं उनकी मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत को देखें तो मंगल का क्षेत्र छोटा है, अंदरूनी मंगल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, देखिए और देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अंदरूनी मंगल, अंदर से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, हिम्मती हैं और जल्दी से आसानी से हार नहीं मानते। बाहरी मंगल जो है वो छोटा क्षेत्र है, परंतु ऐसे लोग ना क्या होता है कि दूसरों से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ऐसे लोग एक तरह से शांति प्रिय पर्सन होते हैं, जियो और जीने दो इस तरह की सोच वाले लोग होते हैं। कोई इनसे लड़ने भी आता होगा ना तो उसको ये बोल देते होंगे कि अरे भैया हमसे हम हटो आप, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, इस तरह से करके मामले को शांत कर देते होंगे कि तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल गए, इस तरह की इनकी नेचर होगी। और ऐसी अंदरूनी मंगल बोल्ड बनाता है, अंदर से हिम्मती और साहसी काम करने का साहस भी देता है ऐसा मंगल। अब यहाँ मंगल पे देखें, यहाँ चंद्र पे देखें, अच्छा खासा चंद्र पर्वत है और इमोशनल भी बनाता है इंसान को, एक इमेजिनेशन पावर भी अच्छी देता है। और यहाँ पर देखिए रेखा इस तरह से आना निकल के, ये अच्छी खासी यात्रा की रेखा है। हो सकता है जीवन में कई बार ऐसा होता है जब ये रेखा ऐसे निकल के आती है, फॉरेन कंट्री की यात्रा करने के योग भी इंसान के हाथ में बनते हैं। जब इतनी ऐसी रेखाएँ ऐसे निकल रही हों, फॉरेन कंट्री की यात्रा करना, फॉरेन कंट्री से पैसा कमाना, या कोई ऑनलाइन वर्क करना, या फॉरेन कंट्री या विदेशी लोगों से लाभ पाना, किसी MNC के लिए वर्क करना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखाई दे रही हैं। ये देखिए वाया लाजवी रेखा है, ये इंसान की डिज़ायर्स को बताती है। और यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत अच्छा खासा घेराव है और अच्छा खासा उभार लिए हुए, लाइफ इनकी लग्जरियस रहती होगी, महंगी से महंगी आइटम, एक से एक ब्रांडेड चीज़ें इनको पसंद आती होंगी और इनको अट्रैक्ट करती होंगी, और एक से एक महंगी, एक जीवन में भी आगे एक से एक महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े इनको पसंद होंगे। तो इनको काफ़ी अच्छी एक तरह से पर्सनैलिटी भी अच्छी होना, सजने संवरने का शौक़ होना, ऐसे में जो जेंट्स होते हैं उनको लगता है कि मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह से पार्टी में जाऊँ, जब पार्टी में जाऊँ तो लोग मुझे ही देखें,
रखें, इस तरह की इनकी सोच होती है। और ये लोग पार्टी में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अच्छा बना के प्रेजेंट करके अपने आप को लेके जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये इस तरह से रेखा चल रही है, यानी जीवन रेखा के साथ साथ, तो जीवन में किसी का साथ बना रहेगा, कोई ना कोई गाइड मेंटर उनको सपोर्ट करता रहेंगे। अब हाथ में देखें इनके, चलते हैं रेखाओं की ओर। तो ये देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चल रही हैं, तो ऐसे में इंसान की सोच परिवार से अलग होती है। और देखिए, गुरु पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है, तो पारिवारिक थोड़ी सपोर्ट कम मिलती है। तो दोनों एक तरह से माता से दूरी या माता से विचार कम मिलना या माता को कोई कष्ट होना, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर एक बड़ी राहु रेखा ने कट किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि 24-25 वर्ष के आसपास कोई ना कोई दिक्कत इन्हें आई होगी या चल रही होगी। और यहाँ पर भी देखें, ये राहु रेखा कट कर रही है, तो उसको स्ट्रगल्स की लाइन या पारिवारिक समस्या भी दिखाती है। यहाँ पर देखें, आगे भी राहु रेखा इस तरह से 35 और 38 के आसपास दिखती हैं, और अगर ये अभी से उपाय करें तो उन समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। यानी कि कुत्ते को रोटी खिलाएं, कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, तो उससे भी राहु का अगर अभी से उपाय करेंगे तो आगे जाके ये जो राहु रेखाएं वो इतना परेशान नहीं करेंगी, धीरे से ही एक तरह से समस्या, जो बुरा वक्त है, वो आराम से निकल जाएगा। और कई बार ये रेखा उपाय करने के कारण फेड भी हो जाती हैं। तो देखें आगे जीवन में, यहाँ पर एक बड़ी उन्नति की रेखा दिख रही है। देखिए 27 से 28 वर्ष के आसपास कोई बड़ी उन्नति की रेखा है ये, देखिए इतनी बड़ी रेखा है, तो कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आने वाली है। और देखिए यहाँ पर भी ये भाग्य रेखा में, यहाँ पर ये बड़ी रेखा एकदम आएगी, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जीवन में शुरू होगी, पुराना छूट जाएगा और नया शुरू हो जाएगा और आगे तक चलता रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। आगे भी भाग्य रेखा को देखें तो जीवन में स्मूथ चल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखा रही। अब चलते हैं भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा देखिए यहाँ से इस तरह से चंद्र पर्वत से निकल रही है, तो ये भी इसी चीज़ की इंडिकेशन देती है, जैसे हमने कहा फॉरेन कंट्री से पैसा कमाना, और कई बार होता है कि विदेशी लोगों से लाभ मिलना, MNC से लाभ मिलना, ऑनलाइन वर्क करना, कई बार इस तरह की चीज़ें भी लाभ देती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना या मोबाइल फ़ोन, इस तरह से कुछ भी काम सूट करते हैं। और कई बार लेडी का बहुत सपोर्ट होता है जीवन में, किसी ना किसी लेडी का सपोर्ट मिलना। और यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है, देखा हमने बताया ये चेंज है, ये 27-28 वर्ष के आसपास, उसके बाद सीधा सीधा एकदम चलती जा रही है रेखा, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चलती जा रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिखा रही। अब चलते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा को देखें तो यहाँ से चलती हुई इस प्रकार से लंबी चल रही है। ऐसे लोगों का मस्तिष्क बहुत शार्प होता है, नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना इस तरह से, और जीवन में ग्रोथ अच्छी खासी कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एक रेखा इस प्रकार से आकर जुड़ रही है। देखिए ये कई बार डबल मस्तिष्क रेखा होती है, इंसान का एक्सपोजर बहुत बढ़िया होता है, या इंसान कई बार होता है कि कोई आर्टिकल लिखता है, कोई ब्लॉग लिखना, इस तरह की नेचर भी देखी जाती है, और ये आके भाग्य रेखा में भी जुड़ रही है इस तरह से। देखिए या ये मस्तिष्क रेखा के साथ साथ भाग्य रेखा को भी प्रबल बना रही है, कोई दो तरह के सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाती है कि 35 वर्ष के आसपास आते आते दो सोर्स ऑफ इनकम हो जाना, दो तरह के काम शुरू कर लेना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर या तो इंसान राइटिंग की ओर निकलता है, राइटिंग की ओर नहीं निकलता तो फिर इंसान बिजनेस में ही तरक्की पाता जाता है। अब देखिए सर्विस में होता है, इंसान दो तरह के सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखता ज़्यादातर, अगर सर्विस के साथ बिजनेस कोई करता है तो बिजनेस में ही ये योग बनते हैं, डबल इनकम योग तो तभी बन पाते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर हृदय रेखा को, यहाँ से इस तरह से चली जा रही है और दोनों पर्वतों के बीच में आकर रुक रही है। ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, कोमल दिल के होते हैं, लोगों से बहुत प्यार करना, सबको बड़ा मान सम्मान देना, इस तरह की आदत होती है। यहाँ पर भी देखें इस तरह की रेखाएं जब ऐसे कट करती हैं तो अपने ही लोगों से धोखा भी मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग दूसरों की जिसकी भी मदद करते होंगे उल्टा ही वो लोग इनको बातें सुना के जाते होंगे, ताने सुनाते होंगे, तो ऐसा भी इनके साथ होता होगा। और बाकी इनके हाथ में देखें तो काफ़ी अच्छा हाथ है, जीवन में बहुत तरक्की भी करवाएगा। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। एक इनका प्रश्न था शादी से रिलेटेड, तो शादी में अगर हम देखें तो अच्छी खासी रेखा इनके हाथ में है। और भी हम हाथ में एक नज़र मारते हैं तो हाथ में
थोड़ा सा गुरु पर्वत के लिए उपाय करना चाहिए। शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा आपस में तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा सा गुरु का उपाय कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जिससे जीवन साथी की अच्छी सपोर्ट मिले। बाकी इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, पत्नी से बहुत प्यार करेंगे, बहुत मान सम्मान देना। डाई हार्डकोर लवर होते हैं ऐसे लोग जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह प्यार करना अपने जीवन साथी को, इस तरह की भावनाएँ पाई जाती हैं। तो शादी के योग अगर हम देखें तो 27 से 28 वर्ष में शादी के योग भी बनते हैं। अब यहाँ पर देखें तो शुक्र थोड़ा सा दबा हुआ दिखता है और बुध भी थोड़ा दबा हुआ दिखता है, हालांकि गुरु यहाँ अच्छा है। और देखा जाए तो उस हाथ में मस्तिष्क रेखा यहाँ डुअल होके इस तरह से जा रही है, भाग्य रेखा यहाँ उतनी प्रबल नहीं दिखती जितनी प्रबल हमें उस हाथ में दिखी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मछली का चिन्ह दिखाई देता है। तो इस अगर हम हाथ की कंपेरिजन करें तो हमें राइट हैंड काफ़ी अच्छा दिखा, राइट हैंड में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स क्रॉसेस इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं, नेगेटिव लाइंस दिखी। अगर हम बात करें दोनों हाथों की तो देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमें परवरिश अपने माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव माता पिता से मिलता है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में खुद अपने बलबूते पर हम बनाते हैं। तो राइट हैंड इनका काफ़ी बढ़िया है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा। राइट हैंड में देखते के साथ ही माउंट्स काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए हैं, काफ़ी पावरफुल है, रेखाएं भी बहुत साफ़ सुथरी एकदम स्वच्छ हैं, तो इसलिए राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत तरक्की कराएगा और जीवन में आगे इनको बहुत बढ़ोतरी भी देगा। एक तरह से देखा जाए तो एक धनवान व्यक्ति का हाथ दिखाई देता है, और जीवन में जो आज ये स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल में इनको कामयाबी मिलेगी, काफ़ी एक तरह से ऊँचे ऊँचे मुकाम पर जीवन में ये पहुँच पाएंगे। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।